देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर, पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो पार्ट टू में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच लैंग्वेज इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? तो देखो, अंग्रेजी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अंग्रेजी को जो है वो मान्यता नहीं दी गई है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने लैंग्वेजेस हैं? तो प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। और देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कौन से शेड्यूल में आती हैं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो किस तरह की एक बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुरी है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो ऑप्शन सी, स्टैचुरी बॉडी जो है वो सही आंसर है। स्टैचुरी बॉडीज का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, तो ये किससे संबंध रखता है? ये संबंध रखता है रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर, भर्ती और सभी सेवा मामलों से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 56, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, तो जो पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त होती है? देखो, तो इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, पहले पहले हमीरपुर एग्जाम का जो पेपर थे उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 57 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 1999। देखो, यहाँ से आप लोगों के लिए एक और सजेशन है कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन को आप देख लें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट वन को ईजिली देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर भी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्ट टच भी, तो केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे से संबंध रखते हैं या संपर्क रखते हैं? देखो, ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये सीधे सीधे तौर पर संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच डिकेड ऑफ इंडियन प्लानिंग हैज़ द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोइंग, तो कौन सा जो है भारतीय योजना का कौन सा दशक जो था वो कृषि उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? देखो, कौन सा हो सकता है अगर आप आइडिया लगाएंगे तो कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी, 1960s का जो दशक था वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह ये सब आया था। क्वेश्चन नंबर 60, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड इन, तो ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है ये कौन से कानून, मतलब बंधक मजदूरी अधिनियम कानून बना, तो कब बना था ये? क्वेश्चन नंबर 60 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 60 का याद रखिएगा कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकासी सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? तो ये किताब जो थी ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली सेट अप टू बूस्ट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संगठन की विशेष रूप से स्थापना की गई? वो किसकी स्थापना की गई थी ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए? नाबार्ड की, ऑब्वियसली नाबार्ड की स्थापना की गई। 62 का जो है वो ऑप्शन सी नाबार्ड बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैं पहले बता चुका हूँ कई वीडियोज में आपको, तो अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड फेरा बाय, तो फेरा को रिप्लेस किससे किया गया? इसको रिप्लेस किया गया फेमा से, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है वो बैंकिंग संबंधित व्यवस्था नहीं है? तो कौन सी इनमें से नहीं है बैंकिंग संबंधित, तो वो है 64 का ऑप्शन डी, ट्रेजरी ऑपरेशन, ट्रेजरी प्रचालन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ड्यूटी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लगाया जाता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो टोल टैक्स नहीं लगाया जाता, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 का डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 66 है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखो ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए जयपुर सही आंसर है, जयपुर में ये स्थित है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड, तो देखो ये बैंक कहाँ पर स्थित है जिसको IBRD कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज, जब कोई गुरुत्व की प्रक्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में होता है तो क्या यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नो वेट। क्वेश्चन नंबर 69, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी पावर सही आंसर है, शक्ति इसको कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 70, इन रेडियोथेरेपी एक्सरे इज यूज्ड टू डिटेक्ट, एक्सरे का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है, बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, तो बेल मेटल जो है किसकी मिश्र धातु है, ये कॉपर और टिन की है। 71 का ऑप्शन बी जो है वो आपके पास सही आंसर है, अ डिटर्जेंट इज अ, क्वेश्चन नंबर 72, तो डिटर्जेंट है एक, तो डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट की अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 72 का अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन ए क्लीनिंग एजेंट जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73, सेलोफेन यूज्ड फॉर रैपिंग इज, तो लेप्टेन के लिए प्रयुक्त सेलोफेन है एक, तो सेलोफेन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी रीजनरेटेड सेलुलोज जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, राइफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर, तो राइफामाइसिन ड्रग किसके लिए यूज होती है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है कमेंट करके बता दीजिए, हमने कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोस्टेटिंग मटेरियल, इनमें से कौन सा जो है वो थर्मोस्टेटिंग पदार्थ है, थर्मोस्टेटिंग मटेरियल इनमें से है ऑप्शन डी बेकेलाइट, बेकेलाइट इज अ थर्मोस्टेटिक अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्वेश्चन नंबर 76, कमर्शियल टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कमर्शियल टी कहाँ से प्रिपेयर की जाती है, आपको पता है पत्तियों से की जाती है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एग योल्क इज, तो अंड पितक का मुख्य संगठन क्या होता है, जो एग का योल्क होता है, योक होता है, उसका मुख्य संगठन क्या होता है, तो 77 का ऑप्शन ए फैट जो है वो सही आंसर है। 78 है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्शन ए ड्राई आइस, ड्राई आइस इसको कहते हैं। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सैफ्रून फॉर कमर्शियल यूज इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो सेफ्रून कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये ऑब्टेन किया जाता है स्टिग्मा से, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसके अब्सेंस में नहीं होती है, देखो ये नहीं होती है कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ विदाउट विच वन कैन नॉट लाइव इज, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो ऐसा पदार्थ जो है वो है आपके पास ऑप्शन बी प्रोटीन जो है क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, आयरन इज अबेंडेंटली फाउंड इन, तो आयरन जो है ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 83 का जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके पास, देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए आप आराम से, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, इन क्वेश्चन को आप पढ़िए, आप आंसर कीजिए इनका या फिर सॉल्व कीजिए इनको खुद से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का, 85 का सी और 86 का आपके पास डी सही आंसर है। और 88 की अगर आप बात करेंगे तो 87 के बाद 87 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो 87 को एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए और सी में जो था वो डाउट था, तो आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर हैंड्स ऑफ क्लॉक पॉइंट अपोजिट टू ईच अदर,
क्वेश्चन नंबर 88 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन बी 22 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी सही आंसर है आपके पास 76। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से कौन सा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 का जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 91 से लेकर आगे हमारे पास 114 क्वेश्चन आता है HPJK का, इससे पहले मैं सभी क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे। कुंजुम पास इज फेमस फॉर, कुंजुम पास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन ए स्पीति वैली। क्वेश्चन नंबर 115 है, हाटू पीक इज लोकेटेड इन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दी, सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कमेंट करके बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है। छड़ी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, ये चंबा से शुरू होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो साउथ ईस्ट में जो है वो कौन सा स्टेट स्थित है हमारे दक्षिण पूर्व में, तो कौन सा है दक्षिण पूर्व में, हिमाचल की बात हो रही है तो हिमाचल के दक्षिण पूर्व में है उत्तराखंड। 117 का जो है वो कौन सा ऑप्शन ए सही आंसर है। 118 की बात करेंगे, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग कुल्लू में स्थित है, ठीक है, खीर गंगा का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, हु वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा 1740, तो 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले के अंतिम मुगल गवर्नर कौन थे, तो अंतिम मुगल गवर्नर जो थे वो थे सैफ अली खान, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, हु ड्रोव आउट द सिक्स फ्रॉम सिब्बा स्टेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से जो था वो सिखों को किसने खदेड़ा था, सिखों को खदेड़ा गया था यहाँ से किसके द्वारा, ऑप्शन सी राम सिंह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121, नगरकोट वॉज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ, नगरकोट किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी, तो ये कटोच डायनेस्टी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 122, द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता कौन थे, वो थे TVR दत्ताचारी, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेटनर पॉलियंट्री, तो इनमें से कांगड़ा आपको पता है यहाँ पर बहुपति प्रति की जो प्रथाएं हैं वो नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 124, द सेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल पेंटिंग कहाँ पर था इसका सेंटर, इसका सेंटर था सुजानपुर में, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर है। त्रिलोकपुर टेम्पल जो है वो आइडल, यहाँ पर कौन सी मूर्ति है इस भवन में, त्रिलोकपुर में कौन सी होगी, त्रिपुरा सुंदरी, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस वैली ऑफ फ्रूट्स इज, तो ये कहाँ पर आएगा, ये शिवालिक हिल्स में आएगा ऑब्वियसली, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 127, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, शिमला में जो है वो एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 127 का सी। HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज सेटअप इन, ये हिमाचल प्रदेश जिसको HP बोर्ड भी कहते हैं, HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बन पॉपुलेशन शिमला में सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ पर है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए क्योंकि कई बार मैंने डिस्कस किया है, अगर कोई बात नहीं नहीं आता है, कुछ लोगों को आता होगा वो कमेंट कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पहले असेंबली इलेक्शन कब हुए थे, आपको पता है 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, नुआला फोक डांस जो है वो कहाँ का है, ये आपको पता है नुआला जो है वो चंबा का है, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 131 का ए सही आंसर है, चंबा कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 132, बहादुरपुर फोर्ट कहाँ पर स्थित है, बहादुरपुर फोर्ट बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेस्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, 133 का ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो व्हाट एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है 1972, आपको पता है कई बार डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135, फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज, तो कौन थे राज्यसभा के पहले सदस्य हिमाचल से, वो कौन थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए,
ये थे चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट इज एप्लीकेबल टू, तो वेतन संदाय अधिनियम लागू होता है ये कहाँ पर लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर खैर यूनियन टेरिटरी बन गया है। देखो अब इसके बाद जो है वो आते हैं लेबर लॉ के क्वेश्चन। तो लेबर लॉ के क्वेश्चन जो है इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इनको पढ़ूंगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सी सही आंसर है। 138 का जो है वो डी सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 139, तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सभी क्वेश्चन लेबर लॉ के क्वेश्चन है, तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1928 में, याद रखेगा 1928। क्वेश्चन नंबर 133, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वॉज मेड इन, तो पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था तो ये कब बना था, ये बना था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस, तो इंडिया कब से आईएलओ का परमानेंट मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन सी 122 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट द वेज मस्ट बी पेड ऑन, क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी एनी वर्किंग डे जो है वो सही आंसर है 145 का। क्वेश्चन नंबर 146, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज कंटेन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन से आर्टिकल में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 39 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, द मार्किस अप्रोच कंसर्न विद वेग्स रिलेटेड टू, तो ये सेकेंडरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 149 है, इन विच ईयर वॉज द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एनेक्टेड, तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, 18 ईयर्स। अंडर मिनिमम वेज एक्ट एन एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कम्प्लीटेड एन एज ऑफ 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 151 है, देखो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डिवाइड ऑफ ऑल होप्स, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ऑप्शन बी डेस्पिरेट। क्वेश्चन नंबर 152 है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी इनकॉरिजिबल जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, समथिंग नॉट रिवील्ड, इसको क्या कहते हैं, जिसको रिवील नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नंबर 152 जो है वो कंसील्ड जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154, तो क्वेश्चन नंबर 154 में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, डू नॉट, तो क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, डू नॉट इन्वेड अदर प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 155, सी हैज फर्म, तो सी हैज फर्म बिलीफ, ऑप्शन ए सही आंसर है, इन हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 156 जो है इसमें होगा, आई वॉज फॉर्चुनेट इन हैविंग गॉट दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इन एंड फ्रॉम जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 ईडियम है, द लास्ट स्ट्रॉ क्या होता है, तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है ऑप्शन ए द डिसिसिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158, नीड ऑफ आर क्या होता है, तो नीड ऑफ आर का मतलब होता है द रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन टाइम। क्वेश्चन नंबर 159, टो द लाइन, तो इसका क्या होता है, 159 का ऑप्शन ए फॉलो, फॉलो इसका होता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग आपको बताने हैं, तो चेस्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो चेस्ट का अपोजिट मीनिंग जो है वो होता है ऑप्शन डी इमोरल। क्वेश्चन नंबर 169, वर्बोस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो वर्बोस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन सी ब्रीफ जो है वो सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 162, नेबुलस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, तो 162 का ऑप्शन डी क्रिस्टल क्लियर जो है वो सही आंसर होता है। आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन में कौन सा समास है, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 164, यहाँ पर ढ क्या है, ये स्वर व्यंजन अंतस्थ दीर्घ क्या है, 164 का ऑप्शन बी व्यंजन ये है। अधित्यका का विपरीतार्थ है, देखो अधित्यका का विपरीतार्थ है क्या है, उपत्यका, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मातृ आज्ञा,
मात्री जमा आज्ञा, तो ये क्या बनता है, मात्राज्ञा। ऑप्शन बी सही आंसर है, मात्राज्ञा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, इनमें से ऑप्शन ए तुरंत जो है वो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 168, कामदेव का पर्यायवाची कंदर्प होता है। क्वेश्चन नंबर 169, चरण से उपसर्ग शब्द बनता है, तो चरण से उपसर्ग शब्द बनता है आचरण। क्वेश्चन नंबर 170, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है विपरीत हो जाना, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 170 का। तो ये था भाई हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को शेयर जरूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।